of Leela Education Center. I'm here to conduct a class on revision of computers. So we all know that in BHU BCom entrance, there is a small, very little portion which is there for the computers question. और इन questions को लेके बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा doubt रहता है, बहुत ज़्यादा confusion रहती है. The biggest problem with the computer section is that इसका syllabus well defined नहीं है. ठीक है, इसका syllabus well defined नहीं है. और इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पहले इसके जो पेपर के पैटर्न है उसको समझो. अगर आप उसका पैटर्न नहीं समझ पाओगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू स्टडी. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी टेल यू व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास फॉर टुडे. पहला काम आप जो करोगे दैट विल बी वी विल बी रेफरिंग टू द I think the sound problem is resolved. So, आपको सिलेबस में समझने के लिए आज जो आज का क्लास का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से डिजाइन होगा. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे. सर ये तो हमने क्लास में भी किया था, आज क्या खास होगा? आज हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे या उसके आंसर सिर्फ हम नहीं खोजेंगे, आज उस क्वेश्चंस को हम समझेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझेंगे इन डिटेल. ठीक है, दूसरी चीज एक वेरी शॉर्ट रिविजन हम करेंगे व्हाट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लासेस. एक वेरी शॉर्ट रिविजन. ठीक है, जितना भी चीजें आपको पढ़ाई गई उसकी बहुत मिनिमम, क्योंकि कंप्यूटर्स का सिलेबस इतना बड़ा है उसको एक क्लास में या एक स्पेशल क्लास लेके रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है. तो हमारा जो मेन क्लास का एरिया होगा वो इसी क्वेश्चन पेपर से रिलेट करेगा. और यार देखो, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया है क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे. आधे बच्चे क्वेश्चन पेपर ही डिकोड नहीं कर पाते हैं एग्जाम के बाद. आधे बच्चे जब आते हैं, इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ कैंडिडेट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बीएचयू एंड इवन टुडे आल्सो आई रियलाइज दिस थिंग कि अगर मेरे को भी पेपर मिलता है, अगर मेरे को पेपर ही समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन तो समझ में आने से रहे. तो सबसे पहले पेपर समझना जरूरी है, पेपर कैसे आपका डिजाइन होगा. एक शॉर्ट रिविजन के बाद आई विल डू अ शॉर्ट क्यू एंड ए, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर दिस सब्जेक्ट ओनली. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट एंड आई विल रिजॉल्व दैट डाउट. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा. सो मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस की, बहुत छोटी सी एनालिसिस की 6 साल के पेपर की. एंड आफ्टर एनालाइजिंग दोज पेपर मेरे वो 6 साल के पेपर 2 ईयर्स के पीरियड में डिवाइड हो गए. पहला 2 ईयर्स का पेपर था 14 और 15 का, दूसरा था 16 और 17 का, और तीसरा था 18 और 19 का. नाउ आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, सर ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. इवन राइट नाउ समवन हैज सेड इन द चैट कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, या ये मेरे को बहुत डर लग रहा है कंप्यूटर में. जरूरत ही नहीं है उसकी. आप पेपर देखो, आप समझ जाओगे कंप्यूटर्स कितना इजी है. सो इन 2014 एंड 15 पेपर इफ यू विल फाइंड देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इन जीके सेक्शन. कंप्यूटर्स का अलग सा अपना सेक्शन तक नहीं था 2015 तक. इनफैक्ट इन 2012 when I was the student, I was the candidate, in that year also there was only one question. तो उस समय तक एक pattern चलते आ रहा था. In 16 and 17, पूरा एक proper 15 question का एक section provide किया गया. और 17 में teachers have realized that इतने tough questions computer के एक commerce का student नहीं पढ़ता, unless and until he is doing some kind of an optional study in computers, उसको नहीं आ सकता. Let me tell you one thing very honestly, खासकर जो 17 का paper है, अच्छे से अच्छे बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे. और आप अगर सोचते हैं कि सर हम 10 दिन की पढ़ाई में उसको कर लेंगे, इट इज वेरी हार्श. बट बेटा वो 17 का पेपर ऐसा है कि अनलेस एंड टिल यू आर हैविंग एक्सपर्टाइज नॉलेज, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. स्टिल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी आर गोइंग टू पुट अ शॉर्ट नोट्स ऑन आवर वेबसाइट, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो. वी विल ऑल्सो ट्राई टू सर्कुलेट इन इट इन टू अ व्हाट्सएप ग्रुप्स ताकि आपको मिल जाए. और उस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप एटलीस्ट प्रिपेयर्ड रहो पहले से. एंड इन द रिसेंट टाइम जो सबसे अभी पास में 2 पेपर बीते हैं, देयर आर ओनली 6 क्वेश्चंस इन दिस 2 इयर्स. सिर्फ 6 क्वेश्चंस आ रहे थे, 6 × 2 मतलब 6 क्वेश्चन 2018 में और 6 2019 में. एंड द स्टैंडर्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस आर
इजी, ठीक है। अब यहां से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, बिकॉज आई हैव जस्ट नॉट स्टडीड द पेपर फॉर कंप्यूटर, मैंने पूरा पेपर इन टोटल देखा, एंड इट इज आफ्टर स्टडीइंग द होल पेपर, मैं ये बात कहूंगा तो आपको लगेगा सर रेहा तो आप टीचर हैं इसलिए आप ये बात कह रहे हो, बट इवन एज अ कैंडिडेट आई ऑलवेज बिलीव दैट कोई भी पेपर इस मॉड्यूल में डिजाइन होता है 20-60 or 20 के रेशियो में। सो फर्स्ट 20 इज एक्सट्रीमली इजी, 20% ऑफ द पेपर आर एक्सट्रीमली इजी, कोई भी बैठ जाएगा बिना पढ़ा लिखा वो भी उतना कर ही लेगा। हाँ, अब कोई एकदम मतलब धुरंधर होगा, कोई एकदम वीर होगा जो इसको मिस करेगा नहीं तो ये 20 नंबर अगर किसी ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है उससे हो जाने चाहिए। इसके बाद 60% पेपर इज ऑलवेज एवरेज। अब ये एवरेज पेपर का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है, ये अगले 20 में समझ में आएगा। अगला 20 है हार्ड, जिसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है उसके लिए ये 20 एवरेज में बदल जाएंगे, ये 60 हार्ड में बदल जाएंगे और ये 20 वेरी हार्ड में बदल जाएंगे, सर हो ही नहीं सकता है। जिसने बहुत पढ़ाई की है ये इजी का इजी रहेगा, एवरेज वाला भी उसको इजी लगेगा और हार्ड वाला उसको एवरेज लगेगा। अब सर इसका हमारे कंप्यूटर पेपर से क्या रिलेशन है? ये 20% BHU के पेपर में कभी एक साल ऐसा नहीं हुआ है कि डिवीजन में आए हो, 90% टाइम BHU में हुआ है, जो हार्ड वाला पोर्शन है वो किसी एक सेक्शन में उठा के दे देता है। सो एट टाइम्स होता क्या है, कंप्यूटर के ये 20% जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 150, 20% कितने हुए इसके, इट इज 30 क्वेश्चन हुए कि नहीं। तो कई बार ऐसा होगा, हो सकते हैं 15 क्वेश्चन आपको ये हार्ड वाले कंप्यूटर से मिल जाए और उसके लिए आप कुछ भी ना कर पाओ, समझ में आ रहा है। और कंप्यूटर का सिलेबस विश्वास करो जितना हम लोगों ने बताया है, लेला एजुकेशन सेंटर ने दिया है, अलॉन्ग विद दैट जितना आपको और जगहों से मिला होगा, देर आर नंबर ऑफ रिस्पेक्टेबल टीचर्स एंड कोचिंग्स हु आर सजेस्टिंग सिलेबस, और वो सिलेबस भी अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि BHU ने अपना कोई सिलेबस कहीं से कह के नहीं निकाला है, दैट्स अ फैक्ट। हम सब लोगों ने इन पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस बताया है। इसी अकॉर्डिंगली वी विल पुट अ नोट ऑन आवर वेबसाइट ताकि आप उस नोट को रेफर कर पाओ, उस नोट को मैं अभी पढ़ाऊंगा तो इट विल बी नॉट अ रिवीजन, इट विल बी अ फ्रेश क्लास, तो दैट नोट विल बी पुट ऑन आवर वेबसाइट, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बाय टुमारो इट विल बी देयर। अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझेंगे। तो ये एक जो आपको डर लग रहा है कंप्यूटर के सेक्शन में, क्या वो डर निकला, क्या वो समझ में आया? अगर ये हार्ड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कंप्यूटर से, That means कि other sections are extremely easy. पूरा पेपर एक जगह, तुम 2017 का पेपर तुम लोग लगा के देखो, and you will find that apart from the computer section, बाकी सब कितना easy है, बाकी सब कितना easy है, it is literally a गाजर का हलवा for you all. But बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, जब मैं भी कैंडिडेट या कहीं भी मैं भी कैंडिडेट बन के जाऊंगा, अगर मेरे को ये 15 क्वेश्चन, ये 20% मेरे को पहले मिल गए हार्ड वाले, ये वाले भी मेरे को हार्ड लगेंगे, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ये वाले भी हार्ड लगेंगे। आपको पेपर में अपना दिमाग एकदम काम रखना है, कूल रखना है, जस्ट लाइक MS धोनी, प्रेशर नहीं लेना, हार्ड सिचुएशन आएगी, इजी क्वेश्चन भी उसी पेपर में होंगे, एंड दैट इज अ गारंटी थिंग, आपको उस पे जाना, फोकस करना। तो कंप्यूटर्स के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इतने परेशान मत होइए कि सर इस साल में तो ये क्वेश्चन आ गया था, उसका काउंटर सिर्फ इतना है कि बेटा दूसरे साल में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। देर विल बी अ बैलेंस बेटा, फाइनोस ने कहा था, देर विल बी अ बैलेंस, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू जस्ट कीप योर माइंड कूल, टफ क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आप एग्जाम में कम नंबर इसलिए नहीं पाते हो कि आप कम पढ़े रहते हो या कम मेहनत किए रहते हो किसी से, एग्जाम में कम नंबर बच्चों के इसलिए आते हैं कि आप लोग एग्जाम के वो 3 घंटे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाओगे जो बच्चे सिलेक्शन या रैंक वाले करेंगे, तो आपको भी उनके जैसा अगर बनना है या उस लिस्ट में आना है, रैंक वाले लिस्ट में आना है, तो आपको भी अपने आप को एकदम कूल रखना है। वो 2 घंटे उसी तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह आप प्रैक्टिस या अपनी प्रिपरेशन के लिए करते हैं, क्लियर है सर? इसका क्या मतलब है मोबाइल पे कार्टून देखते हुए पेपर सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, वो एटमोसफियर अलग रहेगा और इस बार तो एटमोसफियर और ज्यादा अलग रहेगा, स्टिल आपको अपने आप को एकदम कूल रखना है। ये याद रखिए कि आउट ऑफ दिस 150 आपको ऑन अ गिवन बैड डे 100+ क्वेश्चंस के लिए आप कभी भी प्रिपेयर हैं, इतनी प्रिपरेशन आपको लीला एजुकेशन सेंटर ने करा दी है। सो 100+ क्वेश्चन आप किसी भी दिन कर लेंगे,
तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। यू विल गेट अ रफ सीट एट द बैक ऑफ द पेपर बेटा, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एवरी ईयर, इन 2014 एज आई हैव डन माय होमवर्क इन अ वेरी गुड मैनर, देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 45. सो इन दिस अप टिल 2015 क्या हो रहा था कि भाई 2015 तक आपके पेपर्स अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होके क्लियरली विजिबल होते थे, और अभी क्या होता है, अभी कहीं हेड नहीं बना हुआ है, स्टिल 15 क्वेश्चन एक फ्लो में आते हैं, फिर अगले 15 एक फ्लो में आते हैं, उसके अगले 15 एक फ्लो में आते हैं, ऐसे होता है, बट कोई हेड नहीं बना है अभी। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन का आंसर कौन करना चाहेगा? इससे ज्यादा हलवा क्वेश्चन कोई हो सकता है? प्रिंटर इज अ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस? देखो सॉफ्टवेयर और स्टोरेज को तो हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर इज समथिंग एल्स एंड स्टोरेज इज हार्ड डिस्क। अभी इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है? अगर किसी को नहीं भी पता है, चलो अभी मेरे को पता है कि आप लोग इतने एडवांस जमाने के बच्चे हो कि आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो बस ये याद रखना उससे कुछ बाहर आता है, दैट मीन्स इट्स अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके अलावा 2014 में कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। सर हमने तो इस बुक में देखा था, उस बुक में देखा था, बेटा बुक तो हम भी छाप दें बेचने के लिए, बट अपना कॉमन सेंस तो आप यूज करोगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पब्लिशर्स, दे ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट द थिंग इज दैट कि आपको अपना माइंड भी यूज करना है, ठीक है। देन वी आर कमिंग एट 2015 पेपर, अगेन द ओनली वन पेपर हियर, वन क्वेश्चन हियर, दैट वाज 107। This is not an output device. क्या ये मजाक चल रहा है? क्या ये मजाक चल रहा था उस समय तक? जी सर, उस समय तक तो मजाक ही लग रहा था। Which one is not an output device? Again a very easy question. Scanner, obviously scanner. We do not get something from the scanner. We have to put a paper on a, or a paper on the scanner. और वहाँ से वो input लेता है in the computer. इन क्वेश्चंस के लिए आप लोग ग्रुप में पूरी तरीके से परेशान है, इसका क्या आंसर होगा, उसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर वो होगा। ये क्वेश्चंस आए हैं 2015 तक। नाउ द टफेस्ट पेपर, टू ऑफ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, दैट वाज इन 2016, क्वेश्चन नंबर 91। अब इस साल क्या हुआ, दे हैव चेंज द पैटर्न, इन 2016 दे हैव चेंज द पैटर्न ऑफ द पेपर, and someone in the faculty who has drafted the paper, usne apna dimag lagaya and he decided to give total of 15 questions from a computer. Bhai ho sakta hai us samay logo realize ho ki India digital ho raha hai to hame bhi digital paper dena padega, bhale hi hum MCQ written format mein lenge but hame bhi paper to digitally create karna padega. Ye paper ab aana shuru hua, theek hai. Question number 91 se shuru hota hai, 105 tak isme question hai. I know I have discussed these papers with everyone in the class, so you might feel a little bored कि सर वही चीज़ दोबारा repeat कर रहे हैं, but we will try to understand कि हमें इन questions से समझ के पढ़ना क्या है अपने preparation के लिए, ये question discuss करने का purpose क्या है, सिर्फ इतना सा। The very first question is that in the window operating system, the type of file which the .mpeg extension is indicated. MPEG का मतलब किसी को पता? Full form पता है किसी को? It is moving picture expert group. यही है, ठीक है। और ये होता किस लिए? अब देखो मेरा ये फुल फॉर्म बताने का पर्पस क्या है, दे आर नंबर ऑफ एक्सटेंशन, जैसे कि एक है .jpg, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, PNG है, तो इस तरह बहुत सारे हैं। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि इस तरह के एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो व्हाट यू हैव टू डू टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, देयर आर टू वेज,
Number one, you can search it by your own. Number two, you can simply visit our website for the notes, which will be there on tomorrow. Aaj hi mat chale jana, abhi mat chale jana. Theek hai? Kal hoga. Kal ka matlab by 30th October wo hoga wahan pe. और उसमें आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी विद द फुल फॉर्म. सर फुल फॉर्म का क्या रोल है? यहाँ पहले वर्ड में इसका आंसर छुपा हुआ है. फुल फॉर्म का ये रोल है, क्या मूविंग पिक्चर से आप ऑडियो समझोगे? लेट्स से अगर आपको नहीं पता होता तो, अभी तो आप सब लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, पेपर कई बार लगा लिया, तो आप सबको पता होगा. अगस्त बेटा, 30th of August, अक्टूबर बोल दिया था क्या मैंने? अक्टूबर बोला था तो सॉरी, इट विल बी इन अगस्त. ठीक है, अक्टूबर में क्यों रखेंगे, किसके लिए रखेंगे? ठीक है, अक्टूबर में नहीं, कल आ जाएगा. कल का मतलब है 30 अगस्त, हिंदी में बोल दे रहे हैं. 30 अगस्त को वो पेपर अपलोड कर दिया जाएगा हमारे वेबसाइट पे. अब मेरे को वेबसाइट का हिंदी नहीं पता, पत्र पता है पेपर का, बट ठीक है, वी विल इग्नोर दैट. एनीवेज, सो व्हाइल लुकिंग एट दीज वर्ड्स, मूविंग पिक्चर, यू कैन इजिली गेस. अगर आपको फुल फॉर्म पता हो, आपको ये याद नहीं आ रहा है कि किससे रिलेटेड था, यू कैन इजिली गेस इट्स रिलेटेड टू अ वीडियो. समझ में आ रहा है? तो ये काम आपको करना, जितने भी एक्सटेंशन हैं उनके फुल फॉर्म को भी देख लेना है एक बार, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कौन. बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, कुछ बड़े एक्सटेंशन को हमें याद रखना है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आए. कुछ तो बहुत ईजी है, आपको याद होगा, MP3 इज फॉर ऑडियो, सबको याद होगा. ठीक है, JPG इज फॉर पिक्चर्स, सबको याद होगा. मगर कुछ एक्सटेंशन जो नए होंगे, उनके फुल फॉर्म अगर याद रह गए, एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, बड़े इजी हो जाएंगे. क्लियर है ये बात? क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. यूनिट ऑफ प्रिंटर, इट इज DPI. DPI का मतलब फुल फॉर्म, डॉट पर इंचेस. इसी के संग एक और आता है, दैट इज PPI, पिक्सल पर इंचेस. ठीक है, ये दोनों टर्म यूज होते हैं प्रिंटर के साथ. बेसिकली PPI इज ऑल्सो यूज इन डिस्प्लेज. तो यहां पे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में PPI दिया ही नहीं. PPI इज ऑल्सो यूज फॉर पिक्चर पर पिक्सल ऑन द डिस्प्लेज. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर यूजिंग योर मोबाइल और लैपटॉप, उसमें एक रिजोल्यूशन लिखा रहता है, ठीक है, फुल HD रिजोल्यूशन होता है या वो होता है, तो उसमें आप डॉट PPI भी निकाल सकते हैं साथ में. इट इज फॉर डिस्प्लेज एज वेल एज फॉर प्रिंटर्स. बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे कि नहीं सर, प्रिंटर के लिए ये नहीं होता है. सो आई विल जस्ट रिकमेंड कि प्लीज डू अ रिसर्च, ताकि आपको इसके लिए कंफर्म हो जाए. बट अगेन, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए आप ऑप्शन में देखोगे PPI दिया ही नहीं है, और वो कभी नहीं देंगे. लेट मी टेल यू वन थिंग, वो कभी नहीं देंगे. आई हैव बीन देयर एज अ कैंडिडेट ऑल्सो, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, एंड जो पेपर्स सेट करते हैं टीचर्स, मैं उनसे पढ़ा भी हूँ, तो आई हैव एन आइडिया कि उनका दिमाग कैसे काम करेगा. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बस PPI आएगा और डिस्प्ले आएगा तो याद रखना है. ठीक ठीक है. अब इसमें MPI, RTI और CPI का किसी के बारे में पता है क्या होता है? नहीं सर, आंसर की में डी दिया था तो हमने डी रख लिया, बाकी किसको क्या पता करना है? अब CPI पे क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा हर बार, तो DPI पे ही आएगा. CPI क्या होता है? एनीवन? CPI इज क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन. CPI इज क्लॉक पर इंस्ट्रक्शंस. क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, बेसिकली ये क्लॉक स्पीड के बारे में बात करता है. क्लॉक स्पीड किस लिए यूज होती है? एनीवन हुज टेक्नो फ्रेंडली या गैजेट फ्रीक तो बता पाएगा, क्लॉक स्पीड किसके लिए होती है? एनीवन वांट टू आंसर इट? प्रोसेसर्स के लिए. 2 GHz की क्लॉक स्पीड है, या फिर 1.8 GHz की स्पीड है, वो क्या होती है? इट्स अ क्लॉक स्पीड. इट इज फॉर दी प्रोसेसर्स. इस तरह के फुल फॉर्म भी हमारे नोट्स में अपलोड किए जाएंगे, सो यू कैन गो थ्रू दोज फुल फॉर्म ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है,
वी आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी लो, ताकि जितने कम से कम में रहेगा उतना आराम रहेगा आपको पढ़ने में. 6-7 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करनी है पढ़ाई को, ठीक है. बट अगेन ये सब छोटी छोटी बातें रहेंगी वहां पे. इसी तरह MPI भी है, इसी तरह RTI भी है, ठीक है. वी विल पुट दिस ऑन इन अवर नोट्स, क्लियर है. तो ये काम भी आपको करना था अपने एंड पे, जो आज तक आप लोगों ने किया ही नहीं. बाकी ऑप्शन भी कंप्यूटर के ही सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो आपने कभी देखा ही नहीं. एंड दैट वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एग्जाम में हर बार ये रिपीट नहीं होगा कि DPI ही आएगा, कि सर याद कर लिए प्रिंटर, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर का डी है ऑप्शन, DPI. ऐसे नहीं होगा प्रिपरेशन. आपका सिलेबस बड़ा है तो आपको खुद भी नहीं पता है कि कहां से आएगा. तो उसके लिए तरीका यही है, यू हैव टू गो थ्रू दी ऑप्शंस आल्सो जो रेलेवेंट है, ठीक है. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 93. चलो स्पीड दिखाओ अपनी सबको चैट बॉक्स में, क्योंकि आंसर की तो सबके पास है. मैं कहूं ये आंसर गलत है तब एनीवन, दो इट्स नॉट रॉन्ग इन टोटल, इन टोटलिटी, बट इफ आई से इट्स रॉन्ग देन और व्हाट. आप कभी गूगल करके कोशिश किए कि सर प्रथम जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था सबसे फास्टेस्ट? जो लोग 650 कह रहे हैं, मेरे को पता है कि आपने आंसर कहां से देखा है, ठीक है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पेज ऑफ वेबसाइट, 650 भी है, आप श्योर हैं? आप कहां से ये चेक किया है? बिकॉज अगेन 650 इज नॉट देयर इन ऑप्शन, एंड यू आर अज्यूमिंग कि यहां पे मिसप्रिंट हुआ है वन का. आंसर की इतनी बुरी चीज की बीमारी लग गई, इतनी बुरी चीज की बीमारी आप लोग को लग गई कि क्या बताया जाए. What if there is a mistake on the website or on the page which on which you have got, or in the book where you have seen this answer? Akshara, are you guessing ki sir pehla wale ke against itna aap hai to 2700 hi hoga, because that is of no use. Sahi answer hai yahi, 650 is also correct, 1650 is also correct. सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं. मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप लोगों ने प्रिपरेशन जब की है तो आप लोगों ने रिसर्च वर्क किया है, विच वॉज वेरी गुड. द प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग आंसर कीज पे या बुक के आंसर्स पे बहुत ज्यादा या ओवर रिलाइड हो गए हैं. उस चीज से दूर होना है खुद को. 10 दिन अभी भी हैं, जहां जहां कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता, आप मेरे को मैसेज कीजिए. जिसने भी मेरे को मैसेज किया उसको आंसर डेफिनेटली, भले ही थोड़ा सा लेट है, मिला जरूर है, ठीक है. कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं सर ने आंसर ही नहीं किया. तो आपको वहां पे क्या है कि रिसर्च अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम आपके लिए करेंगे. बट यू नीड टू बी वेरी श्योर, देर शुड बी नो कंफ्यूजन. एग्जाम में 1650 और 650 दोनों दे दिया तब क्या करोगे? बिकॉज यू डू नॉट नो द जनरेशन ऑफ IBM प्रोसेसर्स. So let me tell you the brief of this background of this whole generation thing. So 650 jo hai was the first computer. 650 was a first generation computer, and 1650 is the most famous. 1650 on hum aate hain us question pe bhi hum aate hain Raj, theek hai. 1650 was the most famous. 650 was not that famous. To question ko yahan samajhna hai. मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन फ्रेम ही थोड़ा सा गलत तरीके से हुआ है. सबसे पहले प्रसिद्ध फर्स्ट जनरेशन कौन था? तो 650, अगर फर्स्ट जनरेशन को तुम पार्ट में लेते हो, 650 इज करेक्ट आंसर. अदरवाइज 1650 इज ऑल्सो करेक्ट इफ 650 इज नॉट मेंशन इनटू द ऑप्शन. क्लियर है? अगर 650 मेंशन नहीं है तो 1650 इज फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस. क्लियर है कि नहीं? दोनों ही प्रोसेसर्स के नाम आए हैं. जैसे कि आप देखोगे मोबाइल के प्रोसेसर्स में बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं, स्नैपड्रैगन 710, स्नैपड्रैगन 845, 55, 65, पता नहीं कहां तक ले जाएंगे. सो वहां पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो पहला जनरेशन था वही फेमस हो सकता है बाद वाला जनरेशन फेमस हुआ हो. यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट था.
तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है. व्हेनेवर आई विल पुट द नोट्स ऑन द वेबसाइट आप प्लीज उसको देखना. सर यहाँ तो आप अपने नोट्स का ही एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. नहीं नहीं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपका वर्कलोड कम करना चाह रहे हैं, जो कंफ्यूजन है उसे कम करना चाह रहे हैं आप लोग के लिए. अगेन 94 के आंसर बताओ. फायरवॉल, वेरी इजी. कैन यू नेम सम अदर हार्मफुल थिंग्स विच आर अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म. इसके अलावा कुछ और भी हार्मफुल होते हैं, जैसे कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर कह सकते हो, हार्मफुल इन्होंने खुद नहीं बताया क्या है, तो वायरस कह सकते हो, कुछ और भी होते हैं, क्या होता है. अंशु यू आर राइट, फिशिंग इज अगेन अ काइंड ऑफ बेटा हैकिंग प्रोसेस विच इज नॉट हार्मफुल टू अ कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली, बेसिकली वो ट्रैप होता है, इट्स अ काइंड ऑफ हैकिंग. ठीक है. स्पाईवेयर इज राइट. आइडेंटिटी थेफ इज अगेन a kind of hacking thing. I'm writing it here. You can just copy somewhere else. जहां भी आपको लिखना है. सर क्या लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है. अरे हम बोलेंगे भी, चिंता नहीं करो. ठीक है. पहला है स्पाइवेयर, एडवेयर और रैंसमवेयर. ठीक है, क्लियर है. ये सभी, इन सभी छहों को इन टोटल मैलवेयर कहते हैं. क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं. कंफ्यूजन अब होगी इस क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन. फिशिंग, आइडेंटिटी थीफ, स्पैम, ये सब के सब प्रोसेस ऑफ कह सकते हो हैकिंग होते हैं. ठीक है. रूट कीज बेटा, अगेन दिस इज समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली हार्म प्रोड्यूस या मेक अ हार्म टू अ कंप्यूटर सिस्टम. आप क्वेश्चन को समझो, कंप्यूटर सिस्टम पे कौन कौन चीजें हार्म करती हैं. इफ समथिंग इज कमिंग इनटू योर मेल, लेट्स से इफ समथिंग इज कमिंग टू योर मेल और उसको, या फिर इफ यू आर पुटिंग सम काइंड ऑफ अ पेन ड्राइव और सम काइंड ऑफ अ इनपुट डिवाइस और उसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें प्रॉब्लम का जो एक्चुअल बेस होगा वो इन्हीं छह में से होगा. ठीक है. फिर इन्हीं छह में से और डिविजन्स होंगे. ये छह बड़े मालवेयर्स हैं. क्लियर है कि नहीं. सभी को क्लियर है ये पॉइंट यहां पे. फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस रिबन. क्लास में पढ़ाया गया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वेरी इजी. इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? डॉट मैट्रिक्स के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए आप लोग. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टैब्लिश्ड टाइप ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन द मार्केट. सर इट इज द ओल्डेस्ट वन? नो, अवेलेबल इन द मार्केट में इट्स द ओल्डेस्ट विच इज स्टिल इन यूज. कहने का मतलब, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं. आई एम सर्चिंग समथिंग इन माई नोट्स, मिल जाए तो हम बता देते हैं अभी. सो इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रिंटर्स, सबसे पहले हमारे पास एक लेजर प्रिंटर है. लेट्स मेक अ लिस्ट ताकि आप सबको याद रहे. देयर इज वन लेजर प्रिंटर, देन देयर इज सॉलिड इंक प्रिंटर. सॉलिड इंक प्रिंटर क्या सर? इन सब में भी रिबन होता है बेटा? लेजर में तो आपको नाम से ही लग रहा है रिबन का कोई यूज नहीं है. ठीक है. रिबन इज समथिंग विच इज मेकिंग सम काइंड ऑफ अ डॉट एंड आफ्टर मेकिंग अ डॉट इट पुट अ कलर इनटू इट. यहाँ पे लेजर में क्या होता है? This is a digital kind of a printing. मेरे पास है लेजर प्रिंटर, मैं उसको दिखा सकता हूँ, but there is no use of it. Laser basically use the laser. Inks होते हैं, उसको एक रोल करके लेजर के थ्रू उसको प्रिंट किया जाता है. सिमिलरली इंक जेट हो गया, सॉलिड इंक प्रिंट हो गया. इसके अलावा
ये सब ये दोनों किस तरह का चीज यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग इंक. ये दोनों क्या यूज करते हैं? इंक. इसके अलावा बिजनेस इंकजेट तो बता दिया गया है, और इसके अलावा बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा. हाँ, बाकी नोट्स में, ठीक है. प्लॉटर इज अगेन अ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ अ सिस्टम बेटा. यू कैन रीड अबाउट इट इन द नोट्स. आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इट इन द नोट्स. जो अभी आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें ये मेंशन्ड है, तो आप उसके थ्रू उसमें भी जाके देख सकते हो. ठीक है विधि, या मेरे नोट्स कोई पढ़ा भी है कि नहीं? देना सब बेकार. क्या क्लियर है यहां तक सब कुछ? प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट लाइक अ प्रिंटर प्रोड्यूस इमेज ऑन द पेपर बट डज सो इन अ डिफरेंट वे. प्लॉटर आर डिजाइन टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉइंग और इमेजेस such as construction plan for the building or the blueprint for the mechanical object. Plotter can be connected to a port normally used by a printer. Clear hai beta? Kiske liye maine plotter padha hai? Vidhi ke liye. Theek hai? Clear hai? And if I'm not wrong, maine uski picture bhi aapko ek di thi taki aapko yaad rahe long run mein. Aur dekhte hain questions. क्या इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? अरे इससे इजी भी आ सकता है. यस बोल रहे हो. इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बट क्वेश्चन आ सकते हैं इन तीनों पे भी. क्या होता है जान लो. साइबर पुलिस इज समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसको अभी हम नहीं समझाएंगे, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी क्या होती है? सो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंजीनियरिंग टर्म्स में एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड में एक कमिटी होती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की. ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है. इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है. इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक होता है, प्लस कुछ मेंबर्स इसके इंटरनेट सोसाइटी से भी आते हैं. इंटरनेट सोसाइटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. इसमें बहुत सारे ग्लोबली लोग इन्वॉल्व हैं टू मेक श्योर कि इंटरनेट इज अ सेफर प्लेस, ठीक है. एंड द यूज ऑफ इंटरनेट इज डन इन अ प्रॉपर वे एंड टू प्रमोट द यूज ऑफ इंटरनेट. इसके लिए क्लियर है इंटरनेट सोसाइटी. तो क्वेश्चन अगर आता है कि इन व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म और इन व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म या इन व्हाट काइंड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब कम टुगेदर टू प्रमोट इंटरनेट, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हु वर्क्स इन नेटवर्क्स, हु वर्क फॉर प्रमोटिंग द इंटरनेट, who make sure that internet is used in a safer way. Clear hai Gaurav? Answer hoga internet society. Theek hai? Aur ye jo main abhi kar raha hu na, char questions ko explain, char options ko kar raha hu, ye sirf computer ke liye applicable nahi hai. This format is applicable for all the subjects apart from accounts and math. Kyunki bhai usme baki answers ke research karne ka matlab nahi hai ki agar kisi question ka answer 3.2 aaya और उसमें 4.5 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये 4.5 कहां से आया आप नहीं पता लगा सकते हो. बट जो फैक्चुअल बेस्ड पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर्स एंड इवन फॉर द इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सब जगह आप रिसर्च कर सकते हो थोड़ी सी. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगला चलते हैं सीपीयू. सीपीयू को आप इन तीनों, इस तरह के क्वेश्चंस में समय नहीं बेकार करना है. आपको इन तीनों का कोई रिसर्च नहीं करना है. द आंसर इज वेरी इजी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आगे बढ़ना है. तो ऐसे क्वेश्चंस में समय वेस्ट नहीं करना है कि गूगल व्हाट डू यू मीनिंग बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब नहीं खोजने लगना है. गूगल भी कहेगा भाई अपना काम कर. तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है.
नाउ कमिंग ऑन डीटीपी स्टैंड, अगेन डाटा पब्लिशिंग कहाँ होती है, डाटा प्रिंटिंग, अगेन इट्स अ इजी कॉन्सेप्ट, इट्स बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ अ डाटा, ठीक है. एंड डेस्कटॉप प्रिंटिंग क्या होती है ये भी आपको देखना पड़ेगा. द करेक्ट आंसर इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग. क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? डीटीपी इज स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग. किसी ने वन भी बोला है डाटा पब्लिशिंग? नो बेटा, इट्स नॉट वन. इफ यू हैव स्टडीड समवेयर प्लीज करेक्ट योर बुक ऑल्सो, योर नोट्स ऑल्सो, इट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग. क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ी थोड़ी चीजें इन सबके बारे में रिसर्च करना है. मैं यहाँ पे इनकी इनके भाई बहुत इजी इजी टर्म्स हैं, पहले वर्ड में इनकी मीनिंग दी हुई, पहले लाइन में इनकी मीनिंग समझ में आ जाएगी, वन लाइन आंसर्स इस सबके हैं, तो उनको सिर्फ समझना है, आगे बढ़ना है. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज जर्नल कैलकुलेशन फॉर सीपीयू. ALU तो सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये तीनों के भी कुछ यूजर्स होते हैं. सर बस का क्या यूज है? बस इज यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेटा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जनरेट डिजाइन करने के लिए बस यूज होता है. बस के और भी बहुत सारे यूजर्स हैं, आप उसको मेरे नोट्स के थ्रू देख लीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा और क्या आता है? सॉरी, बस इज यूज फॉर नेटवर्किंग, सॉरी माय बैड, बस इज यूज फॉर नेटवर्किंग. किसी ने टोपोलॉजी अभी लिखा है तो मेरे को याद आया है, यस बस इज यूज फॉर नेटवर्किंग, ठीक है. आई ड्यूली अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग, बस इज यूज फॉर नेटवर्किंग. इसके अलावा और क्या क्या है? DMII क्या है? DMII क्या है? DMII क्या है, कोई बताना चाहेगा? नो आइडिया. सो गेट इन, नाउ आई नो इट्स अ वेरी बैड जोक, बट गेट एन आइडिया सर. खैर, वी विल नॉट डू अ बैड जोक हियर, वी विल मेक अ गुड जोक्स. Vanya has said that RAM stick. RAM stick क्या होता है Vanya? RAM stick क्या होता है? So, देखो होता क्या, DMII क्या होता है? Simple, DIMM क्या होता है? DIMM होता है, it's a basically a chip. आपने कभी किसी RAM को देखा है? सर RAM को नहीं देखा है, RAM को कैसे देखेंगे? RAM को भी देखो, RAM को भी देखो. RAM मतलब the random access memory जो आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल या आपके PCs या आपके लैपटॉप में भी लगा रहता है, कभी उसको देखोगे उसके ऊपर एक छोटा सा चिप लगा रहता है, उसी चिप को DIMM कहते हैं. क्लियर है? इट इज अ चिप यूज इन रैम. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं हम लोग फटाफट, और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है. सर मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी गौरराज, कोई बात नहीं, हम पेपर फिर से लेते आए, ठीक है. आगे चलते हैं. लैन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन. लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सबको नहीं खोजने की जरूरत है, ठीक है. लिनक्स,
What is Linux? Is it a graphic? Is it a database? Is it a Superman? क्या है? It's a operating system. मेरे को चलो operating system से कुछ नाम बताओ आप लोग. Tell me the name of operating systems. आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, revise किया होगा. Start करते हैं हम लोग. Unix और DOS. DOS को अभी अलग रखे हैं, बाद में समझाएंगे. देखो अक्षरा, ये अभी बीकॉम में एडमिशन हुआ नहीं है कि सर विंडो, फिर विंडो 7, फिर विंडोज 8, फिर विंडोज 11. जब नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसी तरह बच्चे समझा के पेपर भरते हैं, वो काम नहीं करना है. विंडोज, ठीक है. और क्या होता है? मैक ओएस. तुम लोग सीधे यूनिक्स से मैक्स ओएस पे पहुंच गए, इतनी तेज स्पीड थी. विस्टा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विंडोज बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो? सो व्हाट इफ आई से उबंटू, अ वेरी ग्रेट एग्जांपल. सो इफ आई से दैट डॉस इज नॉट अ, एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल्स बेटा. We are sticking to a Apple OS हो गया बेटा. Mac OS is Apple OS, ठीक है. We are sticking to the main part जहाँ पे आप computer से related जो OS होते हैं उन्हीं के बारे में discuss कर रहे हैं हम लोग. और कोई? So what if I say कि DOS is not an operating system, तब कैसा लगेगा? सर दिल को लग जाएगी बात, इतनी बड़ी बात आप बोल कैसे सकते हैं? हमने तो कहीं देखा आंसर की मैं DOS is a operating system. चलो डॉस के बारे में अभी एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर, वहां हम डिस्कस करेंगे. अगेन डॉस के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर, डॉस पे ही क्वेश्चन होगा, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे. डॉस इज अ कंप्यूटर सिस्टम और नॉट, ठीक है. समवेयर आई हैव रिटन बट वो मिल नहीं रहा अभी, उस पर डिस्कशन करते हैं. 102 का आंसर बताओ. It's a very easy MS of Word. 103, again nothing to discuss. Achha, 103 is interesting. 103 is interesting. Now I'm getting a mixed kind of answer. Talk, chat, email, FTP. FTP kya hota hai, koi samjhana chahega? Why you, मतलब FTP की थोड़ी इज्जत दे दो यार, तुम तीनों का नाम ले रहे हो, FTP को भी पूछ नहीं रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा FTP. इट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? क्लास में बताया गया था, इट्स बेसिकली फॉर ट्रांसफरिंग दी फाइल्स और डाटा, ठीक है. नाउ हियर इट इज सेड दैट लाइव की बात कर रहा है. लाइव में अब क्या होगा? थ्रू इंटरनेट. अब आप कहोगे सर हम वीडियो कॉल भी तो करते हैं, बट वो विदाउट टॉक में इंक्लूड नहीं होगा, याद रखो. सो टॉक शैल बी एलिमिनेटेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, इट शुड बी अ फेस टू फेस टॉक, ठीक है. दूसरा आता है चैट और ईमेल. नाउ वी ऑल नो दैट कि जब ईमेल हम किसी को भेजते हैं, इवन इफ ही इज ऑनलाइन, इवन इफ ही इज लाइव, तो उसने ईमेल का रिप्लाई करना है तो हो रहा है. अगर इफ ही इज नॉट लाइव, तो ईमेल इज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन. आपने भेजा एंड वो जब भी पढ़ेगा भेजेगा. चैट इज वन थिंग वे यू कैन कम लाइव एंड यू कैन टॉक. सर ईमेल में भी तो हम लोग लाइव आ सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंडिकेटेड टू द अदर पर्सन, राइट. आपको पता रहता है जिसको ईमेल भेज रहे हो कि वो ऑनलाइन है कि नहीं. हाँ, चैट इज अ लाइव थिंग, क्लियर है कि नहीं. अगर इसी चैट की जगह मैसेज लिखा होता तब ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता,
क्योंकि मैसेजेस कैन बी डन थ्रू डिफरेंट मैनर्स, डिफरेंट वेज, बट चैट का एक फॉर्मेट तय है. जैसे कि अभी आप जूम कॉल में कर रहे हो, दैट इज द चैटिंग. आप फेसबुक पे करते हो, चलो फेसबुक पे तो चैटिंग की जगह आप लोग क्या कहते हैं, चैटे करने लगते हो, ठीक है. सो बेसिकली दैट इज अ लाइव कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट. जितने लोग को कंफ्यूजन है, टॉक को लेके, या देखो इवन इफ वी आर टॉकिंग राइट नाउ, वी आर कम्युनिकेटिंग राइट नाउ थ्रू अ इंटरनेट, वी कैन नॉट से दैट इट्स अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और ई कम्युनिकेशन. क्लियर है? ई कम्युनिकेशन यहां से शुरू ही होता है. क्लियर है? टॉक इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ई कम्युनिकेशन टिल डेट. देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू टॉक फॉर एन एज एन ई कम्युनिकेशन और इंटरनेट कम्युनिकेशन. ठीक है, क्लियर है? नाउ मूविंग टू द 104, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. प्लीज इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी कीजिए. देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज पेन एरिया नेटवर्क. तो जो ये एरिया नेटवर्क वाले टॉपिक है, प्लीज इसके बारे में एक डिटेल स्टडी आप कर लीजिए. देर विल बी डेफिनेटली अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, एंड लेट मी गारंटी यू दिस थिंग, मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. अगर नहीं आता है तो फिर बात कहिएगा. ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को स्पैम करने लगना, नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया सर. एक आदमी बता देना नहीं आया, एंड आई विल फील लिटिल बिट ऑफ गिल्टी. ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं. साइज ऑफ IPv6 128 बिट्स है. क्वेश्चन में IPv4 भी आ सकता है, इसका क्या होगा? दो हैं देखो, IPv6 है, IPv4 है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है. IPv4 का क्या होगा? इट इज 32 बिट्स फॉर IP4. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ शॉर्ट इंफॉर्मेशन. ये सब चीजें एग्जाम में आ जाती हैं. 32 है बेटा, आई एम वेरी श्योर इट्स 32, तो ये याद रखना. ठीक है, क्लियर है? देन देर इज नो मोर क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर्स हियर, एंड देन हियर कम्स द टफेस्ट पेपर ऑफ कंप्यूटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ BHU एग्जामिनेशन 2017. ये पेपर तो ऐसा है, लेट मी टेल यू, दो इवन दो आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ